ये देख रहे हो, ये कुछ ऐसा आया है मेरे को, ठीक है। ये तो मैं फाड़ चुका हूँ और चिट्ठी ये है। ये देखो भाई, तो मुझे ये आई चिट्ठी, देखो भाई आप सब देख सकते हो यहाँ पर, और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साफ। और ये देखो भाई, ये चिट्ठी मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से आई है चिट्ठी, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और इस चिट्ठी के बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ऐसी कुछ चिट्ठी थी, आपको मैं इसके बारे में पूरी चीज़ें बताऊँगा कि ये मुझे क्यों मिला है। और आपको बता दूँ कि अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से तहसील में, यहाँ से मेरे गाँव से तहसील लगभग 10 या 15 किलोमीटर दूर है, काफ़ी दूर है यहाँ से तहसील, तो इसलिए मैं अपनी स्कूटी में लेके जा रहा हूँ, काफ़ी वक्त के बाद ये गाड़ी चला रहा हूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे तहसील भाई, और तहसील यहाँ से लगभग 10 या 15 किलोमीटर दूर है। चलो फिर आपको तहसील में चलते हैं एक बार, और वहाँ पता करते हैं इस चिट्ठी के बारे में, और मैं सारी जानकारी आपको वहीं जाके दूंगा कि ये मुझे क्यों मिला है, और इस चीज़ के बारे में सारी जानकारी बताऊंगा। मगर ये काफ़ी अच्छी बात है कि काफ़ी वक्त के बाद मुझे खर्चा पानी मिल रहा है। मैं सोच ही रहा था कि भाई थोड़ा बहुत पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी गांव एक्सप्लोर करता हूं। आपको बता दूं कि हर गांव, एक गांव में जाता हूं ना मैं, तो ये मत समझना कि मेरे आसपास है गाँव, गाँव काफ़ी दूर दूर है जहाँ मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, जहाँ के गाँव मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ के मैंने गाँव आपको दिखाए वो गाँव काफ़ी दूर है मेरे घर से, काफ़ी दूर है। और लगभग एक गाँव में जाने का लगभग आप ही लगा लो कि 300-400 रुपये लग जाता है मेरा पर डे का, खाना पीना लगा के, ठीक है ना। तो काफ़ी खर्चा हो जाता है मेरा एक गांव में घूमने से, या एक गांव को एक्सप्लोर करने में, और इसलिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार भाई थोड़ा बहुत मुझे खर्चा पानी मिल जाए। तो चलो देखते हैं भाई कितना खर्चा पानी मिल रहा है मेरे को, और क्यों मिल रहा है भाई ये भी पता करेंगे वहीं जाके, तहसील में जाके। वैसे तो कागज़ में साफ लिखा हो, मगर ये पता नहीं चल रहा है कि क्यों मिला है मेरे को भाई, ठीक है ना। चलो फिर वहीं चलते हैं तहसील में, और आपको सारी चीज़ें बताते हैं भाई। यहाँ की जो रोड है ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस साइड की। आप ये लगा लो कि ये तहसील की रोड है, और इसके देख रहे हो तहसील की रोड है ये, और इसके हालात देख रहे हो कुछ ऐसे हैं। ये लगा लो जो तहसील की रोड के हालात जब ऐसे हैं, तो जो गांव में जाती है रोड उनकी हालत कैसे होगी, आप खुद सोच सकते हो। लगभग ये उत्तराखंड में हर जगह पर यही है, रोड की कंडीशन है या गांव के रास्ते हैं उनके हाल सब कैसे हैं। तो हम हैं पहाड़ी लोग, और हम पहाड़ी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर पेड़, पहाड़, नदी, झरने, अगर ये चीज़ें हैं इसलिए हम पहाड़ी हैं, मतलब इन्हीं की वजह से हम पहाड़ी कहलाते हैं, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि हमारे पहाड़ में जो हालात हैं इस समय के, देख रहे हो ऐसे पेड़ काटे जा रहे हैं जगह जगह पे, ये देखो भाई ऐसे जगह 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 पेड़ काटे जा रहे हैं, देखो देख रहे हो आप, ये देखो भाई लगभग ये पेड़ ऐसे मत समझना कि 10-20 पेड़ हैं, ये लगभग हज़ारों में ये पेड़ काटे गए हैं, और ये बसुकेदार तहसील वाली रोड पर ये पेड़ काटे हैं लगभग हज़ारों में भाई, ठीक है आप ये लगा लो। और ये कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब से कोई सरकारी कर्मचारी कर रहा होगा या वन विभाग वाले कर रहे होंगे, मेरे हिसाब से देखा गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये खुला आम पड़ी हुई है, तो यहाँ पर कोई आम आदमी नहीं काट सकता है, क्योंकि ये तहसील की रोड है और वन विभाग वालों का आना जाना लगा रहता है, अगर कोई आम आदमी होता तो पकड़ा जाता। मगर मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है ये वन विभाग वालों का काम है। तो आप देखो भाई वन विभाग का राज पाठ है ये, जब मर्जी आए पूरे जंगल को काट दे, और जब मर्जी आए कुछ भी कर दे भाई, इन सबका बाप का राज है ये, देखो जंगलों को काट के ऐसे साइड करो भाई, देखो काटो कोटो और सारा बेच दो, देख रहे हो भाई। और एक लकड़ी की बात नहीं है, रोड के यहाँ पर देख रहे हो इतना बड़ा डंबर लगा है, इतना बड़ा वो लगा हुआ है ना रोड के बगल में, इतना ज़्यादा है ना रोड के बगल में, बहुत ज़्यादा है लकड़ियाँ, लगभग हज़ारों के तादाद में लकड़ियाँ पेड़ काटे गए हैं भाई, ये देखो भाई काफ़ी ऊपर तक फैले हुए हैं, और जो ये लकड़ियाँ काटी जा रही हैं ना काफ़ी ऊपर से काटी जा रही हैं भाई। और इनको जो ये रोड पे जो इन लकड़ियों को ला रहे हैं वो एक नेपाली है, नेपाल के लोग हैं, 3-4 लोग हैं, और वो यहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि ये वन विभाग के लोगों ने कटवाने के लिए कहा था,
हमारा काम है सिर्फ ढूंढने का, उन्हें काट दिए सारे और हम काफ़ी ऊपर से इनको ढोल के ला रहे हैं भाई यहाँ पर। वहाँ पर एक नेपाल का भाई है जो काम करता है, यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर सो है, अभी रेस्ट टाइम है उसका, सो रखा है, काम हो गया उसका पूरा। और तीन चार जो नेपाल के लोग हैं, नेपाली लोग हैं, ऊपर जा रखे हैं अभी लकड़ी लेने के लिए। तो देख लो हमारे पहाड़ के ऐसे 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 हाल है भाई। आप ये लगाओ कि परसों मैं झकोली वाली रोड पे गया था, वहाँ पर एक वन विभाग का आदमी जंगल में आग लगा रहा था, तो मेरी बैस हुई और एक गाड़ी वाला भाई था, मतलब कार वाला भाई था, एक गाड़ी वाला भाई था, उसकी भी बैस हो रही थी और मेरी बैस हुई। मैंने सिर्फ इतना पूछा, मैंने नहीं पूछा, उन भैया ने पूछा कि आप जंगल में आग क्यों लगा रहे हो, तो उनने बोला कि आगे से हमें ऑर्डर मिले हैं आग लगाने का। अब बताओ भाई, यहाँ वन विभाग का आदमी आग लगा रहा है खुलेआम भाई, और जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए वो हाथापाई करने बैठ गया मेरे से। ये परसों की बात है भाई जो मेरे साथ हुआ है, जो किस्सा हुआ है मेरे साथ। तो यहाँ पर देखो सरकारी कर्मचारी कहते ना कि राज है इनका, इन खेतों इन पहाड़ों के बाप हैं, सब वन विभाग वाले पहाड़ों के बाप हैं। तुम्हारे अगल बगल जो भी पेड़ होंगे सबको काट के लेके चले जाएंगे, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं उनको किसी से। जैसे यहाँ पर काट रहे हैं देख रहा हूँ, खुलेआम काटे जा रहे हैं मज़े से। तो ऐसा सीन है वन विभाग वालों का। मैं आपको ये चीज़ ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे सामने पे थी, इसलिए मैंने आपको दिखाई ये चीज़ें मेरे सामने पे, ये चीज़ अगर कुछ चीज़ गलत हो रही तो मेरा काम है आप लोगों को बताना, क्योंकि हम लोग जाने जाते हैं इन पेड़ों की वजह से, इन खेतों की वजह से, इन पहाड़ों की वजह से, इन झरनों की वजह से, इन नदी की वजह से, हम पहाड़ी लोग कहलाए जाते हैं भाई। अगर ये चीज़ें नहीं है ना तो हम पहाड़ी लोग नहीं हैं भाई। जहाँ पहाड़ी नहीं होगा फिर वहाँ पहाड़ी लोगों का काम ही क्या होगा भाई। तो हम पहुँच गए हैं बसु केदार, जहाँ पर हमारी तहसील है। और आपको बता दूँ कि बसु केदार के बारे में आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, और इस गांव की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मतलब इस गांव को भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ मैं। और ये देख रहे हो सामने में मेरे तहसील है। तो भाई मैं आ गया हूँ तहसील से, और जो मुझे डाक मिली थी, जो मुझे चिट्ठी मिली थी मुख्यमंत्री की तरफ से, वो मैंने वहीं जमा कर दी। और वहाँ से मुझे एक चेक मिला है, ये देखो भाई ऐसा कुछ चेक मिला है मेरे को, देख रहे हो, और ये पढ़ सकते हो आप चाहे तो, आप देख रहे हो भाई ऐसा कुछ चेक मिला है मुझे। और चलो अच्छी बात है, मुझे थोड़ा बहुत खर्चा पानी के लिए थोड़ा पैसे मिल गए हैं, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि थोड़ा बहुत खर्चा पाने के लिए पैसा निकले जाए, क्योंकि मेरा काफ़ी खर्चा होता है। जैसे कि मैं कहीं गांव में घूमने के लिए जाता हूं तो काफ़ी पैसे लग जाते हैं मेरे, तो मैं सोच ही रहा था कि यार भाई थोड़ा बहुत पैसे मिल जाए कहीं से और थोड़ा मेरा काम चल जाए। जो मुझे पैसे मिले हैं ये बोलते ना कि ये काफ़ी लोगों को मिल चुके होंगे ऐसे कुछ पैसे, किसी को 5,000 मिलते हैं, किसी को 10,000 मिलते हैं। और आपको बता दूँ कि ये उन लोगों को मिलते हैं जो अखंड बेरोज़गार बोलते हैं ना, अखंड मतलब जिनने बेरोज़गारी की सीमा पार कर दी है भाई। मैंने जो बेरोज़गारी की बोलते ना सीमा, अखंड सीमा, वो मैंने पार कर चुका हूँ मैं, इसलिए मुझे सरकार की तरफ से 10,000 रुपये मिले हैं। और मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग जितने भी बेरोज़गार हो, जितने भी मतलब अखंड बेरोज़गार हो, जो भी मेरी वीडियोज़ को देखते हैं या जो भी शेयर करेगा, उसको भी 10,000 रुपये मिले सरकार की तरफ से, क्योंकि ये अखंड बेरोज़गारों के लिए ये एक स्कीम निकली है, काफ़ी पुरानी स्कीम है, ये आज की नहीं है, लगभग 1-1.5 साल पुरानी स्कीम है जो सरकार की तरफ से निकली है।